गुड मॉर्निंग। चलिए अब आज हम इस वीडियो में आपको स्टूडेंट यूडाइस से स्टूडेंट को प्रमोशन कैसे करते हैं उसका हम आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो उसके पहले आपके पास गूगल क्रोम होना चाहिए। गूगल क्रोम पे आप डायरेक्टली टाइप करिए स्टूडेंट पोर्टल, STUDENT स्टूडेंट पोर्टल। ऐसे स्टूडेंट पोर्टल चालू करेंगे, पहला वेबसाइट आएगा स्टूडेंट पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका स्टूडेंट, ये देखो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट पोर्टल। इसके बाद हम यहाँ पे अपना यूडाइस आईडी, यूडाइस नंबर डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, ऑलरेडी मैंने अपने स्कूल का सेव करके रखा है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट अब कोड, कैप्चर कोड डालिए और सिंपली लॉग इन करिए। ये लॉग इन हो गया, आपका ये पहला होम पेज है। अभी आपके स्कूल का जो भी अथॉरिटी कहाँ, कौन से स्टैंडर्ड तक मिला है, किसी को फर्स्ट टू एट मिलता है, किसी को फर्स्ट टू फोर्थ मिलता है। तो हमारे स्कूल को देखो 10th तक है पूरा, तो फर्स्ट टू एट और 9th to 10th, 9th to 10th को मैंने प्रमोट कर दिया है ऑलरेडी। अभी मैं फर्स्ट टू एट को करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अगर आपका एक, अगर आपका न्यू रहेगा ना, अगर आपका न्यू रहेगा तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा, उसके अंदर मांगेगा रिपोर्ट करके मांगेगा। तो उसके अंदर आप जो आपका एग्ज़ाम किस दिन हुआ था, तो अप्रैल में ऑलमोस्ट सबका एग्ज़ाम होता था, किसी भी रिजल्ट का डेट, तो जो आपका पिछले साल का रिजल्ट का डेट था वो आप डाल देंगे। तो जैसे अप्रैल का रहता है तो अप्रैल जो भी डालना है, 20, 30, 25 जो डालना है वहाँ डाल के अप्रैल 2019 सेलेक्ट कर देना। फिर नेक्स्ट में स्कूल ओपन का जो भी 17, 18, 15 जून करके और जून को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव कर देना है। सेव पे करने के बाद फिर से दोबारा आपको प्रमोशन पे आना है और डायरेक्ट इस पर फर्स्ट स्टैंडर्ड पर क्लिक करना है। तो आपका ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पे ये स्टूडेंट स्टैटिक फॉर 2018 और 2019 में जो भी स्टूडेंट का आपका यहाँ पे रहेगा, जो प्रमोशन आपने नहीं किया है वो सब यहाँ पे दिखेगा। जो 19 और 20 में प्रमोशन किया रहेगा आपको यहाँ पे वो चीज़ दिखेगा आपको यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी अभी 9th, 3rd और 2nd सबका मैंने अभी ये सब फर्स्ट सेकेंड का और 9th वाले का प्रमोशन किया है अभी और आगे करने जा रहा हूँ 3rd स्टैंडर्ड का प्रमोशन करने जा रहा हूँ। तो प्रमोशन करने के लिए सिंपली काउंटर स्टूडेंट काउंट पे क्लिक करिए आप। क्लिक करने के बाद आपको पूरा आपके जो भी 3rd स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है ये देखिए सबका लिस्ट आ गया। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ डिवीजन में अगर आपका डिवीजन बना है तो उसको सेलेक्ट करिए किस डिवीजन में डालना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ प्रोमोट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आपका सारा का सारा स्टूडेंट प्रोमोट हो जाएगा। बस सिंपली यही है। सर मैं अपना स्टूडेंट को इसमें डाल रहा हूँ, डिवीज़न में डाल रहा हूँ। डिवीज़न बनाया तो ठीक है, नहीं बनाया तो डायरेक्ट ए में ही डाल सकते हैं, तो आपके ऊपर है। जिन जिन स्कूल में ज़्यादा बच्चे हैं डिवीज़न क्लास बना हुआ उनको तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा, कौन से स्टैंडर्ड में कौन से डिवीज़न में कौन से बच्चे हैं वो सब करना पड़ेगा। जैसे ये डायरेक्टली पूरा फुल हो गया सब, ये मैं सेट कर दिया, कुछ नहीं करना है बाकी, मेरे को डायरेक्ट सीधा प्रोमोट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, पॉपअप आएगा सक्सेसफुल, देखिए आ गया स्टूडेंट, प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली, हो गया कंप्लीट। अभी मेरा नेक्स्ट थॉट कर दिया था मैंने, अभी 4th का ऑप्शन आएगा देखिए। फिर 4th का भी सेम एज इट इज, जैसा मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीज़न सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डिवीज़न जो भी डिवीज़न ए बी में डालना है वो सेलेक्ट करके यहाँ से हम डाल सकते हैं डायरेक्ट। सबको ऐसे ही करना है आपको। कर दिया पूरा, सिंपली प्रोमोट पे क्लिक कर दो। देखिए 4th भी हो गया, अभी 5th बचा। सिंपली ये भी
डिवीजन सेलेक्ट करिए। ओके प्रमोट कर दीजिए। अभी फिफ्थ हो गया, सिक्स उसको सेवेंथ में प्रमोट कर रहे थे। सेवेंथ ए, सेवेंथ ए, सेवेंथ ए। ये हो गया, अभी बचा सेवेंथ वाले, सेवेंथ को एट में करना है प्रमोट। देखिए एट में ये हो गया, लास्ट बचा एट वाला। एट वाला, एट वाले को किसमें करना है, नाइन्थ में करना है, बस एक ही बचा है। प्रमोट कर दिया मैंने, हो गया सक्सेसफुल। अब मेरा ये सारा का सारा प्रमोट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको प्रमोट करते हैं, बस सिंपल तरीका है। आप लोग भी ट्राई करिए, इंशाल्लाह जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा प्रमोशन आप लोग का। ओके, अल्लाह हाफिज़।